अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ज़रीन उमर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। इस टाइम सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी हम कुछ खाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज जो है उमर के एक फ्रेंड हैं, मेरे बहुत अच्छे भाई बने हुए हैं वो, और अली हसन, इरफान मलिक और मेरी एक दोस्त है, वो जो है आ रहे हैं घर पे। तो हमने सोचा चले कुछ बनाते हैं खाने के लिए, क्या बनाया जाए। तो कई दफ़ा ऐसा हो रहा था जो भी आ रहा है पाए पक रहे हैं, मगर आज हमने सोचा कि पाए नहीं बनाते हैं, आज निहारी बनाते हैं। असल में कराची में यही एक दो महीने होते हैं जिसमें आप थोड़ा इन चीज़ों को इन्जॉय कर सकते हैं, तो आज हमने सोचा कि हम निहारी बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने अपने भाई को भेज दिया कि जल्दी से जाके अच्छा सा बोंग का गोश्त लेके आओ। और अब मैं, चूँकि मेरी स्किन है ड्राई और मैं जो हूँ अपनी स्किन पे कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र लगा रही होती है, तो ये इस टाइम मैं जो हूँ एस्टे लॉडर का जो है डे क्रीम लगा रही हूँ अपने फेस पे। मेरी स्किन ड्राई है तो मुझे थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र तो ज़रूरी होता ही है। मैंने सोचा कि साथ में कोई दाल मखनी भी पकाई जाए, तो चले किचन में चलते हैं। क्यों गई उसके सामने मोजे पहन के हैं? प्यार करने के लिए। अरे मैं कड़ी में पैर रख के ले लो, ये लो। ओह गॉड, ये देख। अल्लाह अल्लाह, लड़ी पानी जाओ जाओ भाई, आप तुम्हारी जरूरत पड़ गई। ये लो, मैंने कब को कहा था जाने, आ जाना मुझे बता, आ जाना। बैड 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 है। अभी रुक जा, देखिए थोड़ा सा क्या करें। बस हसन आ गया, बस अब बहुत हो गया ड्रामा। से प्यार करो, प्यार करो, कुछ भी नहीं। बेटा कर कर करके ना उसे सर पे चढ़ा लिया। आर्या बस उसकी जिद है। अभी छोड़ो छोड़ो अभी इसको गद्दा में प्यार किया। अड़िए गाय नहीं होती है बुखराट। ओके ओके इश ओके इश ओके इश ओके। आज इसकी वॉक बंद ना, आज इसको इसका खाना बंद। ये छुटता है वहां फौरन पकड़ लेती है। फ्री टाइम पे ना ये कौन खाएगा? ये मैं खा लेती, मुझे लग रहा है। आ जा खा ये। ओए ओए जॉन जॉन बोला छोड़ो ना पकड़ लो। ये चलो जी किचन में मैं आ गई हूँ और इस टाइम मैं सबसे पहले डीप फ्रीजर से प्याज निकालती हूँ, क्योंकि मैंने पता नहीं कभी ये टोटका सुना था कि अगर प्याज छील के जो है ना थोड़ी देर के लिए, एक आध मिनट के लिए फ्रीजर में रख दी जाए तो आंखों से आंसू नहीं निकलते। और आप यकीन जानो ऐसा होता है। तो जब मैं प्याज छील रही होती हूँ तो मैं यही करती हूँ, जब मुझे काटनी होती है तो मैं प्याज छील के फ्रीजर में रख देती हूँ। तो अब मैं ये निकाल लेती हूँ। अच्छा जी, अब मैं बारी बारी प्याज कट कर लेती हूँ। और आप लोग बताएं कि आप लोग क्या विंटर में क्या क्या खाने ज़्यादा बनते हैं, और अगर कोई घर पे आ रहा हो दावत का क्या क्या एहतमाम होता है, जो बहुत ज़रूरी है। कराची में अभी भी वैसी सर्दी नहीं है, मैं बड़ी शादियों में भी जा रही होती तो तैयार होके साथ में शॉल लेके गाड़ी में जैकेट भी रख लेती, पता नहीं बाहर कितनी सर्दी होगा, मगर जब आप पहुँचते हैं तो मौसम ऐसे ही हो रहा होता है। मतलब बस ठीक है, मौसम अच्छा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मगर वो वाली बात नहीं है। लेकिन ये कि खाने हम वैसे ही इंजॉय कर रहे हैं। हमने दो टमाटर प्यूरी डाल दी, मैं एक गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, मिक्स मिक्स मिक्स। भिंडी कौन बनाएगा? भिंडी आप बहुत अच्छी बनाती हैं। आप ही मैं एक ही चीज बनाऊंगी, मैं दाल मखनी बना रही हूँ। पता है हसन मेरे हाथ की खाई गई नहीं, हसन के लिए बनाना एक आसाब है भाई। भिंडी बनेगी दो तरह की बनेगी, मतलब हम वो प्याज और टमाटर डाल के बनाएंगे, उसके लिए अलग रुपए
कुरकुरी बनेगी। कुरकुरी अजीब खाने बनते हैं, बिरयानी बनती है फिर चिकन की अलग बनती है, बीफ की या मटन की अलग बनती है। अभी निहारी बन रही है तो चिकन की निहारी अलग बनेगी और ये जो है बोंग और उसकी निहारी अलग बनेगी। ये दाल है जो इसमें मैं कम्प्रोमाइज नहीं करती, यही खानी है। हाँ दे भाई, मैं नहीं बना रही भिंडी। चले सही है, भिंडी मैं बना लूँगी। कुरकुरी वाली आप बना लीजिएगा, शादी में बना लूँगी। सॉल्ट हंसबे जाएगा, मैं ज़्यादा ही खाती हूँ। लेकिन ये सिर्फ आपको नहीं खाना ना। रेड चिली पाउडर ये नहीं मजा आता। ये तो चले नहीं, क्रीम भी तो डलेगी। अभी से दिल चाह रहे अच्छा मैंने कहा आप सब डाइटिंग करने लगे तो अब साथ में कोई दाल वगैरह भी बना ले। दाल कौन सी बन रही है? मक्खनी दाल जिसमें मक्खन भी डलेगा, क्रीम भी डले। चलो मसाला हो गया तैयार। अच्छा दाल तो मैंने सुबह ही बॉईल कर ली थी, ये मैं इसको इसके अंदर डाल। सही, आपने दाल मिक्स कर दी है, इसको थोड़ा सा पकाएंगे। थोड़ा सा मक्खन अभी भी डाल देती हूँ, थोड़ा सा पानी। बटर ये हिना ने जो है ना आरी को खुद बिगाड़ा है क्योंकि उसके आगे दुपट्टे मोजे सब चीजें लगा लगा के, वरना वो किसी और के लिए थी। और फिर मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, मेरा गुड्डा और बाद में बहुत ही बदतमीज है, इसको घर में क्यों रख लिया है। सोचे आर्या ने सॉक्स उसके पैरों ऐसे उतार लिए। अभी भी नहीं आएगी ना तो सबसे पहले उसको अपना दुपट्टा यूं 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 करती रहेगी। सब इसने खुद ने उसको बिगाड़ा है बेचारी को, और फिर उसकी शिकायतें भी करती। हाफ टी स्पून बस इसके अंदर गरम मसाला डालेंगे, ये थोड़ा सा क्रीम इसमें डाल देते हैं, थोड़ी सी डेकोरेशन में डाल लेंगे। तुम क्या बना रही हो? ये तो चटनी है, अम्मी ने सामान रेडी किया है, हरे धनिया की चटनी। अब निहारी बनाने की तैयारी स्टार्ट हो गई है। ऑयल डाल दिया है 1 kg मटन विद बोन लेके, उसको डाल के इसमें 2 tablespoons जिंजर पेस्ट, 2 tablespoons गार्लिक पेस्ट डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जो है इसके अंदर निहारी मसाला डाल के इसे थोड़ा सा भून लेंगे। तकरीबन आधा घंटा बनेगा, उसके बाद इसमें आटा डालूंगी, फिर बनेगा, फिर ये पकेगा। तीन टेबल स्पून आटा पानी में मिक्स कर लिया है। आर्या के लिए क्या बन रहा है? आर्या के लिए निहारी में बस ये आटा और पानी का मिक्सचर डाल दिया है, इसको अभी 1 घंटा और पकाएंगे। उसके बाद यहाँ भिंडी बनाने भी शुरू कर दी थी तो जल्दी से प्याज फ्राई की है, भिंडी काट के डाल दी है। अब इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे, उसके अलावा इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी, इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा, और इसके अलावा इसमें बस गार्लिक पेस्ट जाएगा, और साबुत वाली जो लाल मिर्च होती है ना वो इसमें डाल के, तो इसको 15-20 minutes जो है ना हम इसको कुक करेंगे और ये बड़े मज़े की भिंडियाँ बन जाती हैं। यहाँ निहारी तैयार हो गई थी तो इसका प्याज फ्राई करके इसके ऊपर इसका तड़का लगा दिया है, और दूसरा तड़का मैंने स्टार्ट कर दिया था दाल मखनी का। इसमें मक्खन डाला है और इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाल के, थोड़ी सी इसमें जो है ना लहसुन को काट के डाल के, और इसको ऊपर से भगार करके। ये आए हुए हैं इरफान मलिक साहब। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे ब्लॉग में तुम लोग क्यों आते हो? अस्सलाम वालेकुम, बस इतना रखिएगा ताकि और लोग ना जाए, खाना लगा हुआ है यहाँ पे। खाने में बनी है निहारी, भिंडी भी है, मखनी दाल भी है, मखनी दाल भी है, चावल भी है, और ये कमर भाई को तो जगह मिर्चे भी है। तुम लोग भी आ जाओ। तो जी ये था बस मेरा आज का दिन, सोचा ये आपसे शेयर कर देती हूँ। और अब मैं पी रही हूँ ये ग्रीन टी,
इसके बाद मैं नमाज पढ़ूंगी ईशा की, और उसके बाद मैं थोड़ी सी वॉक करने जाऊंगी और फिर मैं आके सो जाऊंगी। तो बस मैंने सोचा आज आपसे ये अपनी छोटी सी वीडियो, अपनी आज की रूटीन आपसे शेयर करती हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो फिर जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ताकि बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। और अगर कोई आप टॉपिक कोई चाहते हैं कि किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगी कि उस पर वीडियो बनाऊं। अल्लाह हाफिज़।